हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये वीडियो आपका हाई लेवल रीजनिंग पजल सर्कुलर अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशनशिप का है। बेसिकली सर क्वेश्चन आपको मेंस एग्जामिनेशन जो आईबीपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस होता है उसके लिए, और आप जैसे जानते हैं कि मेंस में साधारण क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। चाहे एसबीआई की बात करिए, चाहे आईबीपीएस की बात करिए, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल का आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस का जो कट ऑफ किया था वो था 52.5 और 200। वो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की बात कर लेंगे तो केवल 48.5 कट ऑफ मीन्स Out of 100, अब देखो डबल द फिगर हो गया। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के वो इजी रहते हैं, मेंस के बहुत ही टफ रहते हैं और दिमाग घुमाओ क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट रहते हैं। ठीक है, उसी का एग्जांपल वीडियो है। ठीक है, हाई लेवल रीजनिंग पजल सर्कुलर अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशनशिप एग्जांपल आपके सामने दिखा रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसके 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। एट फैमिली मेंबर्स विच ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल facing the center but not necessarily in the same order। मतलब 8 आदमी हैं और एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। facing center now, ठीक है, F is the wife of D and is sitting third to the right of C। F जो है, हम F वह क्या है, वाइफ है, किसका, तो D का वाइफ है। और sitting third to the right of C, ऐसा ये पता है ना, इधर से राइट हम बोलते हैं, क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, जब भी सर्कुलर सेंटर फेसिंग होगा तो 1 2 3 यहां हो गया सी। ठीक है, यूज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर एफ, सॉरी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट राइट ऑफ सी, एफ इज द वाइफ एंड इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ सी, 1 2 3 सी आ गया। ए इज द सन ऑफ एच, ए क्या है, सन है, किसका, एच का। ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, D is not, D is an immediate neighbor of neither F nor C, ठीक है, no male is an immediate neighbor of D, तो D जो होगा वो ना ही F ना ही C के immediate neighbor, ये हो गया F का, ये हो गया C का, यानी D केवल इसी दो पोजीशन पे ही हो सकता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, A is sitting second to the left of D, यानी अगर ए यहां पर डी होना चाहिए, ए को यहां होना चाहिए, तभी तो होगा 1 2 सेकंड लेफ्ट होगा, यहां है नहीं। ठीक है, तो डी ये वाला डी फिर होगा नहीं, आपको ए डी में जाओ, ये हो जाएगा ए, ए 6 सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 डी हो गया। ठीक है, और क्या बोलता है कि नो मैन इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस इज फॉर फीमेल, प्लस इज फॉर मेल, और ये वाइफ है डी का, ये पता चल गया कि ये तो भाई मेल होगा। ठीक है, और ये क्या है, सन है एच का, ये भी प्लस हो गया, और ये क्या है, सन ऑफ एच है। थर्ड में आइए, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एच ब्रदर, नाइदर सी नॉर डी इज अ ब्रदर ऑफ ए, नहीं सी, मैं ब्रदर पूछ रहा है, ब्रदर ऑफ ए ये भी नहीं होगा, ना ही सी होगा। दोनों में से भाई कोई भी नहीं, नाइदर सी नॉर डी इज अ ब्रदर ऑफ ए, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, बोलता है दो ही पर्सन भाई है, सॉरी दो पर्सन बैठता है एच और ए के बीच में, H and his brother, ठीक है, एक दो बैठा हुआ है, अगर हम H यहां मानते हैं, ये बता दीजिए, H अगर यहां होगा, ठीक है, H अगर यहां होगा, सॉरी H एंड his brother, नहीं नहीं, his brother यहां होगा, क्योंकि यहां पे H होगा,
ये फीमेल है ना तो ब्रदर कभी भी वो नहीं हो सकता, फीमेल कैसे होगा ब्रदर, तो मेल होगा एज ब्रदर, एज ब्रदर, और ये एच हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या था, 1 2, यहां भी आप एच लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कोई एक ये लोकेशन है, एक ये लोकेशन है, एक दो लोकेशन को एक होगा। आगे और पढ़ेंगे, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सर, जी बैठेगा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सर के, मान लीजिए जी यहां होता, ठीक है, 1 2, डी सर, डी के सर है ना, जी सेकंड लेफ्ट ऑफ डी सर, बट ये फीमेल है तो सन तो मेल होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता, यानी यहां से पता चल गया कि ये यहां नहीं होगा, ये माइनस है, जी होगा जी सेकेंड टू लेफ्ट, 1 2, यहां होगा डी का सन, क्लियर हो गया, डी सर एंड वाइफ ऑफ डी सर, ठीक है, डी सर एंड वाइफ ऑफ डी सर आर द इमीडिएट नेबर, डी सर एज ब्रदर, ये नहीं हो सकता है, वाइफ ऑफ डी सन, तो ये होगा वाइफ ऑफ डी सन, ठीक है, वाइफ ऑफ डी सन, यानी फीमेल होगा वाइफ है किसका, डी का, वाइफ ऑफ, वाइफ का है डी का, और डी का मतलब वाइफ ऑफ डी सन है, ठीक है, जी सी सेकेंड, सॉरी डी सर एंड वाइफ ऑफ डी सर, ठीक है, आर द इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर, तो वाइफ जो होगा डी का सन, ठीक है, जो वाइफ ऑफ डी सर आर द इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर, डी सन यहां हो गया और ये वाइफ ऑफ डी सर है, तो ये एक्चुअली प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, वाइफ ऑफ डी सर, ठीक है, माइनस नहीं सकता, प्लस होगा, क्योंकि ये डी सर की बात कर रहे हैं, बट किसका, वाइफ ऑफ डी सर की बात कर रहे हैं, नहीं तो यहां पे फीमेल होगा, सॉरी फीमेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पे बेसिकली मेल नहीं होगा, फीमेल होगा, फीमेल की होगा, ये वाइफ की बात कर रहा है, वाइफ ऑफ किसका, डी सर का, ठीक है, तो डी सर का जो वाइफ होगा वो डी सर और डी सर का वाइफ, ठीक है, दोनों साथ में बैठे हुए एक बोलना चाहते, इसलिए फीमेल है, मेल नहीं होगा, डी सर, ये डी सर मत मारिए, रॉन्ग हो जाएगा, डी सर ऑलरेडी आया हुआ, या वाइफ ऑफ डी सर है, ठीक है, अब आगे आइए, एफ इज द मदर ऑफ एच, एफ क्या होगा, मदर भी है, मदर ऑफ एच, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट आता है, इतना आसान नहीं रहेगा, थोड़ा ध्यान से बनाना होगा, मदर ऑफ एच, एफ जो है मदर ऑफ एच हो गया, फिर बोल रहा है क्या, एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर बी नॉर जी, नहीं बी नहीं जी होगा, यानी यहां तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां बी और जी दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, ए बी सी डी, देखिएगा सिर्फ और सिर्फ ई पोजिशन खाली, आपका ई यहां हो जाएगा, ब्रदर है तो यहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए, जरूर नहीं, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, अब आपको बी और जी जी आ चुका है, तो बी ए बच गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छा एक और है, जी इज द सिस्टर ऑफ ई, जी जो है वो सिस्टर है किसका, है तो ई का है, क्लियर, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1, हुम इन द फॉलोइंग इज डी सन, डी का सन कौन है, बी है, हुम इन द फॉलोइंग इज डी सन, लिखा हुआ है सामने बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद आइए, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी होगा उसके लेफ्ट, तो एच है, एच सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, एंड एच का क्या है, आपको देखिए यहां एच है, एच नहीं दिया, एच ब्रदर, जी इज ब्रदर, इसे नहीं किसी दिया होगा, तो एज का आपको रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, क्या है सिस्टर ऑफ ई, ई क्या है, ई भाई है, किसका भाई है, ए का भाई है, ए क्या है, सन है किसका, एज का, ठीक है, ए सन किसका है, एज का, यहां एज है,
ये सब किसका है, एच का। और आपको उससे जी का रिलेशनशिप निकालो, उसी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। यानी एच क्या हो गया, ये सन एच का, और एच क्या है, निगेटिव है, ये फीमेल है, यानी मदर है किसका, ए का मदर है। ए का मदर हुआ तो ए का भी मदर हुआ, और ए का मदर हुआ तो जी का भी मदर हुआ, यानी जी इज मदर। क्लियर हो गया? हु हाउ मनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड हिज ब्रदर, हाउ मनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड हिज ब्रदर, क्वेश्चन ये है। ए और उसके ब्रदर के बीच में सिर्फ एक बैठेगा जो है एफ, ठीक है। Who among the following sits exactly between H and F? H कहाँ है, यहाँ, F यहाँ, A बैठेगा, okay, A है। उसके बाद Who among the following is the brother of A? Brother A का कौन होगा, E होगा, E ऑप्शन में है, A। Based on the given arrangement, how A is related to D? A कहाँ है ये, D कहाँ है ये? अब A क्या है? Son था H का, ठीक है, H का। और वो mother है इसकी F का। असल वो H जो son था, A जो है son है H का, और H की माँ है F, ठीक है, mother of लिखा, mother of H। और D क्या होगा? D जो है वो मतलब जो क्या बोलते हैं A, एफ जो है वो डी की वाइफ है, ठीक है। यानी एक तरीके से ये फादर हुआ एच का, और एच फादर होगा एच का, तो क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा ए का, क्या हो गया, ग्रैंड फादर। ठीक है, अब उसके बाद ये फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप बी सी एच जी एंड एफ। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। बी क्या होगा, बी का है प्लस है, सी क्या है माइनस है, लेडीज मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, एच भी आपका फीमेल है, ठीक है, जी भी फीमेल है, और एफ भी फीमेल है, जो मेल है सिर्फ बी है। तो ये हो गया ऑड वन आउट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एच इज करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट, एच का एज इज मेल, मेल बोलो जबकि फीमेल है, रॉन्ग हो गया। एज इज द कजन, ओके, एज इज द कजन ऑफ, कंप्लीट नहीं क्वेश्चन। हाउ बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एज आर मेल्स, यस बोथ द नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एज आर मेल्स, तो एज यहां है, ये दोनों मेल है, क्या नहीं, थर्ड, यस आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है।